हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट विद ट्रैवल। देखिए आज मैं ऐसे कुशन बनाई हूँ, वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो इसके लिए मुझे चाहिए ऊन। ये जो ऊन है इसको पहले ऐसे करके आप कोई भी कलर कॉन्ट्रास्ट करके आप ले सकते हो। तो ऐसे करके हाथ के ऊपर ऐसे करके आप ऐसे घुमाते रहिए, कम से कम 100 बार होना चाहिए। तो अच्छे अच्छे तो ये गोल वाला अच्छा बनेगा बॉल, जो ऊन बॉल बनाई हूँ। तो ऐसे करके इसको एक और ऊन से इसको ऐसे करके 2-3 बार ऐसे घुमा के बांध लेंगे तो ये बहुत ईजी है। तो ऐसे करके इसको एक नॉट लगा लेंगे। तो बहुत सारे पॉम्पों में बाई पहले से ही बना के रखी हूँ, तो और कुछ आप लोगों को बना के शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फिर ऐसे एक ढक्कन ली हूँ कि सारे एक साइज का हो। तो ऐसी ऐसे पहले इसका साइड का जितने भी है कट कर लेंगे। देखिए अभी ये ढक्कन जो है इसको इसके ऊपर बिठाएंगे, बिठा के चारों तरफ से इसको कट करते जाएंगे, घुमा घुमा के इसको कट करेंगे। देखिए एक साइड का हो जाएगा, फिर इसको थोड़ा फ्लफी टाइप का कर देंगे करके और एक साइड से इसको कट कर लेंगे। तो एक ऐसे करके कट करने से क्या, सारे जो पॉम्पम बनाई हूँ जितने भी सारे एक साइज का होगा। और इसमें बहुत ऊन जो है बर्बाद होता है, तो उसको मैं क्या की हूँ पिलो के अंदर ऐसे अब बनाएंगे, जब इकट्ठा करके रखेंगे फिर इसमें जोड़ देंगे तो ये बहुत सारे जम जाएगा। तो ये जो कपड़ा है मेरा पास सुपर कवर का कपड़ा था, तो उससे बनाई हूँ। आप ऐसे पर्दा, पुराना जो पर्दा है एक कलर का अगर हो है तो उससे बना सकते हो, नहीं तो कोई भी एक कलर का अगर अच्छा कलरफुल कपड़ा है तो उसी से भी आप कर सकते हो। तो ऐसे मैं जो नाप है पहले वो लगाई हूँ, लगा के उसका थोड़ा सा 1-1.5 इंच बाद में भी थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा थोड़ा राउंड चाहिए। तो ऐसे करके बना के 2 पीस ली हूँ, लेके इसको कट कर ली हूँ। लेके देखिए दोनों को एक साथ ऐसे ऊपर की तरफ रखेंगे तो चारों तरफ से सिलाई कर देंगे और एक साइड में थोड़ा सा इसको छोड़ के रखेंगे। फिर उसको पहले पलट लेंगे, पलट के उसको सीधा कर लेंगे। अभी इसमें जो रुई है इसको पूरे में भर देंगे, पूरे को ऐसे करके पूरे को उसको कवर भर देंगे आपको जितना चाहिए, जितना टाइट चाहिए। करके इसका जो मुंह है दोनों को दोनों अंदर की तरफ मोड़ के, जो बाहर का हिस्सा है मोड़ के इसको ऐसे सिलाई कर लेंगे। मैं दूसरे कलर से करके आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ, नहीं तो आप सेम कलर से करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। दोनों को एक साथ पकड़ते जाएंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई करते जाएंगे। फिर ये जो पॉम्पम जितने भी बनाई हूँ इसको एक एक करके ऐसे ऊन की मदद से लगाते जाएंगे, 2-3 बार कर देंगे, नहीं तो बाद में अगर कोई खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। तो इसीलिए मैं 2-3 बार ऐसे नॉट लगा रही हूँ। थोड़े देर छोड़ के आपको लगेगा ही, जब लगाएंगे तो थोड़ा दूर छोड़ छोड़ के आप ऐसे सारे को चारों तरफ में अटैच कर दीजिए। देखिए चारों तरफ से लगा दियो। अभी इसका मिडिल निकालने के लिए जस्ट इंच टेप लेंगे, लेके एक एप्रोमैक्स जो होता है वो मिडिल में इसका ऐसे मिडिल निकाल लेंगे, दोनों साइड से ऐसे निकालेंगे। तो इसको ऐसे चौक से मैं निशान लगा रही हूँ। फिर एक बड़ा वाला सुई लेंगे और उसमें धागा लगा के एक साइड से देखिए ऐसे करके थोड़ा निकालना, बड़ा और लंबा सुई होता तो अच्छा होता, तो ये थोड़ा सा छोटा सुई है। तो ऐसे करके इधर से लेके फिर उस साइड में जाके फिर इधर से निकाल के इसमें अच्छे से एकदम टाइट करके नॉट लगाएंगे तो अंदर की तरफ ये दब जाएगा, तो ये दिखने में सुंदर लगता है। देखिए दोनों को ऐसे करके आपस में ज़्यादा करके खींच के ये जो मोटा वाला में धागा होता है वो ली हूँ, नहीं तो आपके पास मोटा वाला धागा नहीं है तो अगर पतला धागा है तो उसको 4-5 बार फोल्ड करके आप ले सकते हो। देखिए ऐसे करके लगा ली हूँ और फिर इसी में ऐसे गोल वाला दो ऐसे मोती था तो उसको इस साइड में एक लगाएंगे, फिर उस साइड में भी
इसको करके देखिए निकाल लेंगे सुई को, फिर इस साइड में लगा के फिर उस साइड में इसको सुई को निकाल लेंगे। लगा के जो धागा वो निकला हुआ है उसी के साथ अटैच करके इसको नॉट लगा लेंगे। लगा के उधर ही थोड़ा सा ये जो धागा है इसको छोटा करके कट के रख देंगे। तो मेरा बन के रेडी हो गया ऑनलाइन जैसा पूरा एकदम कुशन। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कुछ भी आपको देखना है तो बता सकते हो, मैं वो भी पूरी तरह से कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।